अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो और आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको टोटली जो है वो स्किन से रिलेटेड कुछ ऐसी पांच चीज़ें बताऊंगी जो आप अपनी स्किन के ऊपर कभी भी ना करें, बिल्कुल ना करें। वो चीज़ें पांच जो हैं वो आपने अपनी स्किन के ऊपर टोटली अवॉइड करनी है अगर आप अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं। तो जी, वो पांच चीज़ें जो है वो आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जी, फर्स्ट वन चीज़ जो है जो आप अपनी स्किन के ऊपर अवॉइड करेंगे वो है अर्जेंट वाइटनिंग। तो आपने अपनी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का अर्जेंट वाइटनिंग या इंस्टेंट वाइटनिंग का कोई भी प्रोसीजर अपनी स्किन के ऊपर परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि रीज़न इसका ये है क्योंकि जो अर्जेंट वाइटनिंग या इंस्टेंट वाइटनिंग के प्रोसीजर्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा हद तक ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एग्रेसिव एक्सफोलिएशन की जाती है, जो कि आपकी स्किन को बहुत हद तक डैमेज करती है। आपकी स्किन का जो नॉर्मल स्किन बैरियर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी स्किन बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसलिए आप अपनी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का अर्जेंट वाइटनिंग प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करवाना। सेकंड थिंग जो है जो आप अपने स्किन के ऊपर नहीं करेंगे वो है कि आप अपनी स्किन के ऊपर टूथपेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यूट्यूब पर आप बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ देखेंगे, बहुत सी ऐसी वीडियोस देखेंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप अपने पिंपल्स के लिए, वाइटनिंग के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। तो जी, ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। टूथपेस्ट का आपने इस्तेमाल स्किन पर नहीं करना। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि टूथपेस्ट में बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स या कह लेंगे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को कम्प्लीटली बर्न कर सकते हैं। तो आपने टूथपेस्ट का इस्तेमाल अपनी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरी बात जो ये है वो ये है कि आपने अपनी स्किन के ऊपर रात को सोते वक्त सन ब्लॉक लगा कर नहीं सोना। मतलब कि आपने जब सोना है तो आपने अगर फेस के ऊपर सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया है तो आपने उसको रिमूव करके, वॉश करके देन जो है फिर आपने सोना है। वजह इसकी ये है कि जो सन ब्लॉक है उसमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं ये उनको क्लॉग कर देते हैं और पोर्स क्लॉग हो जाने की वजह से स्किन के ऊपर जो है वो आपके पिंपल्स बन जाते हैं। तो आपने जो है सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। आप रोज़ाना मॉर्निंग में लगाएं सन ब्लॉक, लेकिन क्या करना है कि आपने उसको रात को सोते वक्त वॉश करके देन फिर आपने सोना है। और जब आपने सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है तो वो आपने क्या करना है, अपने पूरे फेस पर लगाना है, गर्दन को बिल्कुल नहीं भूलना, गर्दन पर लाजमी लगाना है और साथ अपने कानों पर भी लगाना होता है। तो जी, आपने मॉर्निंग टाइम में सन ब्लॉक लगाना है, रात को सोते वक्त लाजमी रिमूव करना है। फोर्थ वन पॉइंट हमारा क्या है कि आपने अपनी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं रखना। डिहाइड्रेटेड स्किन नहीं होनी चाहिए आपकी। आपने रोज़ाना अपना डेली बेसिस पे जो है वो आपने अपनी ये एक रूटीन बना लेनी है कि आपने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लाजमी इस्तेमाल करना है। मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी, डिहाइड्रेटेड नहीं रहेगी। जब आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, स्किन पर जो है वो पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो ग्लोई नज़र आएगी, फ्रेश नज़र आएगी। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को डिहाइड्रेटेड रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन का जो नॉर्मल स्किन बैरियर है वो डिस्टर्ब होगा और आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो सकती है, पिम्पल्स के चांसेस हो सकते हैं। सो आपने अपनी स्किन को जो है वो डिहाइड्रेटेड बिल्कुल नहीं रखना, मॉइस्चराइज रखना है और पानी की इनटेक भी आपने जो है वो ज़्यादा रखनी है। आखिरी पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि आपने अपनी स्किन के ऊपर जो मिक्स्ड क्रीम्स हैं या फार्मूला क्रीम्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, फार्मूला क्रीम्स बनाते हैं, पांच छह क्रीम्स को मिक्स किया, उनको फेस पे लगाया, पांच छह दिन में जो है वो वाइटनिंग इफेक्ट ले लिया। इससे आपकी स्किन बहुत डैमेज होती है। आपने क्या करना है, फार्मूला क्रीम्स और मिक्स क्रीम्स को यूज़ नहीं करना। वजह इनकी ये है कि इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, इन क्रीम में मोस्टली स्टेरॉइड्स होते हैं और स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं, थिन कर देते हैं, कि आपकी जो स्किन के अंदर की छोटी छोटी वेन्स होती हैं आहिस्ता आहिस्ता वो दिखना शुरू हो जाती हैं अगर आप इनको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपके चेहरे के ऊपर बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके साथ साथ पिंपल्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स के ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपकी स्किन के लिए। तो आपने फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना।
ये थी वो ऐसी पांच चीज़ें जो आपने अपनी स्किन के ऊपर बिल्कुल नहीं करनी, उनको बहुत हद तक अवॉइड करना है, बल्कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना इन चीज़ों को। तो जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।